तो दोस्तों यहाँ पे यार विंडोज 11 में एंड्रॉइड ऐप चलाना है तो वर्चुअलाइजेशन को अनेबल करना पड़ेगा। साथ ही साथ यार इसके ऊपर थोड़ी टोटली बात करने वाले हैं, क्या वर्चुअलाइजेशन आपके पीसी के लिए बेनिफिशियल रहेगी अगर आप कर लेते हैं उसे ऑन, तो सेटिंग से जाकर कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आएगी और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी कि नहीं, क्या है वर्चुअलाइजेशन कंप्लीटली बात करने वाले हैं। शुरू से शुरू करते हैं, पर बाकी यार स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर विंडोज 11 में आपको एंड्रॉइड ऐप चलाना है वर्चुअलाइजेशन अनेबल करनी होगी। ऐसे और भी बहुत सारी है, जैसे यार ब्लूस्टैक 5 भी है वो भी आपको ये चीज डिमांड करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे नॉक सिमुलेटर हो गया या फिर अपना मीमू प्लेयर जो है अपना इम्युलेटर, ये सब जितने भी इम्युलेटर्स हैं ये सब यही डिमांड करते हैं। नॉट ओनली दिस यार, अगर आप यार विंडोज के अंदर विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स ये सब भी ट्राई करोगे तब भी इसी का जरूरत पड़ता है। आखिर ये वर्चुअलाइजेशन है क्या, तो वो भी देखने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसे अनेबल कैसे कर सकते हो। डिवाइस टू डिवाइस थोड़ी सी वेरी करती है इसकी सेटिंग, और यार बिल्कुल समझ गया ना, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट से, वहां जाके आप अनेबल कर सकते हो। पर इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको करना क्या, ज्यादा से ज्यादा बायोस में पहुंच जाना है, अपने कंप्यूटर के बायोस में पहुंचोगे। अब वहां इंटेल वालों के लिए यार आपको सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है ना ऑप्शन बायोस में जाके, वहां पहुंचते ही आपको यार इंटेल के अंदर तो आपको मिल जाएगा इंटेल VT प्लेटफॉर्म, और यही AMD के अंदर SVM प्लेटफॉर्म नाम से आपको ये चीज मिल जाएगी SVM मोड करके। तो इनको अनेबल करते ही आपकी वर्चुअलाइजेशन अनेबल कर देगी। मैक्सिमम बोलो तो यार हर पीसी में अवेलेबल होते हैं आज की डेट में, जितने भी आपके पास पीसी हो, इवन यार आपके पास बहुत ओल्ड पीसी होगा उसमें भी अवेलेबल होता है। ये बहुत यार बेसिक चीज थी और ये बहुत पहले से आ रही थी, तो ये यार बिल्कुल अवेलेबल होगा मुझे जितना लगता है। आप जरूर यार एक बार चेक करो, मुझे भी बताओ कौन से मॉडल पे, और नहीं है तो वो भी बताना जरूर। अगर ये तो बात हो गई भाई अनेबल करने के लिए, अब है क्या वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली होती क्या है। देखो भाई विंडोज 11 आप चला रहे हो, ठीक है, अब विंडोज 11 पे आपको यार चलाना है लिनक्स, उसके ऊपर ही चलाना है, तो यहां आपके पास क्या मेथड आ जाते हैं, या तो आप यार विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स यूज करोगे, वो भी एक तरीके का आप बोल सकते हो, एक सिस्टम है जो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है लिनक्स को चलाने के लिए। नहीं आप बोलोगे नहीं मेरे को ये नहीं यूज करना, मैं तो यूज करूंगा वर्चुअल बॉक्स। अब वर्चुअल बॉक्स तो नाम ही से पता चल रहा है, ये वर्चुअल बॉक्स एक वर्चुअल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर देता है विंडोज 11 पे। अब वो वर्चुअल एनवायरमेंट के अंदर आप चाहो तो एक पीसी बिल्ड कर लो, हाँ उसमें आप एक तरीके का देखा जाए तो पीसी बिल्ड करते हो। आपके पास वहां टोटली ऑप्शन होता है कि आप कोर्स कितने देना चाहोगे, कोर जो होते हैं ना प्रोसेसर के वो कितने देना चाहोगे, रैम कितना देना चाहोगे, स्टोरेज कितना देना चाहोगे, और उस पर जो पीसी आपका बिल्ड हुआ उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओगे। ऐसा आपने यार नॉर्मली देखा नहीं होगा कि विंडो 10 चल रहा है उसी पर आप यार बिल्कुल लिनक्स भी साथ में चला रहे हो। कैसे कर सकते हो, लिनक्स साथ में चला तो पाओगे पर उसके लिए आपको कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करना पड़ेगा, और यही हो जाता है भाई वर्चुअलाइजेशन, जो अपने पीसी है उसे अनेबल करना पड़ जाता है। यही वर्चुअलाइजेशन की मदद से यह होता है आपको यार ये जो चीजें होती है इन सब में काफी हद तक तो ऐप है, जैसे यार कुछ तो यार ब्लूस्टैक 5 इवन ये लोग तो आपको कर भी देते हैं, आप चला भी पाते हो गेम, पर ये लोग लिखते जरूर है कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो बिल्कुल वर्चुअलाइजेशन अनेबल कर लो। पर बहुत सारे ऐसे भी है जो यार बिल्कुल इसके बिना चलते ही नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाती है अगर आप ऐसी चीजें करते हो ज्यादातर, जैसे यार विंडो 10 में आप चला रहे हो लिनक्स चला रहे हो वर्चुअल बॉक्स की मदद से, या फिर विंडो सबसिस्टम फॉर एंड्रॉइड। तो इसी के लिए भाई आपको इस समय विंडोज 11 के अंदर अगर एंड्रॉइड ऐप चलाने हैं तो बिल्कुल आपको वर्चुअलाइजेशन अनेबल करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका जो विंडो सबसिस्टम फॉर एंड्रॉइड है ना उसके लिए सेट हो जाएगा, और वो फिर एक यार देखा जाए तो विंडोज के ऊपर एक एंड्रॉइड चीज चलेगी पर उसके पीछे एक वर्चुअल कंप्यूटर टाइप का बैठा रहेगा, समझ गए। तो ये टोटली होता है यार, इससे कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, और मैं तो आपको प्रेफर करूंगा इसे अनेबल करके रखो, इससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर आपके पीसी में आपका यार अगर थोड़ा लो एंड है और आप यार एमुलेटर यूज करते हो ये सब, तो बिल्कुल आपको बेनिफिशियल होगा यार, जरूर करो इस चीज को अनेबल। बाकी हाँ जरूर बताना आपने कर रखी है कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही यार, थोड़ा सोचा आपने यार, काफी लोगों ने पूछा था वर्चुअलाइजेशन है क्या, क्यों अनेबल करा रहे हैं, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं, तो बनती थी वीडियो। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार। बिल्कुल पसंद आई तो लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब तो आपके बगल में ही आएगा, दबा उछाल फेंक देना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।